हेलो एवरीवन, एक्टिव काउंसलिंग 2023 से रिलेटेड एक ऑफिशियल और लेटेस्ट अपडेट आया है कि इस बार जो भी काउंसलिंग होगा वो पहले बीटेक लेटरल एंट्री का होगा, उसके बाद बीटेक फर्स्ट ईयर का होगा और उसके बाद फार्मेसी का होगा। यानी कि इन्होंने अपना पूरा काउंसलिंग प्रोसीजर चेंज कर दिया है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से काउंसलिंग होगी और डेट क्या होगा काउंसलिंग का, जो जेईई मेंस के स्कोर पे होने वाला है या फिर बीटेक लेटरल एंट्री जो सीयूटी के स्कोर पे होने वाला है या फार्मेसी में एडमिशन जो सीयूटी के स्कोर पे होने वाला है, ये सब कब कब होगा और कैसे होगा। तो सारे लोग क्या करें कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इस वीडियो को भी लाइक कर लें। स्टूडेंट इस बात को समझते हैं कि ये जो काउंसलिंग होगी इस बार 2023 की वो कैसे होगी। तो सबसे पहले इस बार जो काउंसलिंग होने वाली है वो बीटेक लेटरल एंट्री की होगी। ऐसा पहली बार हो रहा है कि जो एक्टिव है वो अपना काउंसलिंग बीटेक फर्स्ट ईयर यानी कि जेईई मेंस के स्कोर पे ना करवा के, जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन होने वाला है उसको ना करवा के पहले लेटरल एंट्री का एडमिशन करवाएगा। बीटेक लेटरल एंट्री का जो काउंसलिंग है वो पहले होगा और वो सीयूटी के स्कोर पे होता है। लास्ट ईयर भी सीयूटी के स्कोर पे हुआ था, इस साल भी सीयूटी के स्कोर पे होगा जो बीटेक लेटरल एंट्री में एडमिशन होता है। उसकी डेट जो है 15 जुलाई के बाद आएगी, क्योंकि जो सीयूटी का रिजल्ट है वो 15 जुलाई को आने वाला है। मोस्ट एक्सपेक्टेड जो डेट है वो 15 जुलाई है, तो 15 जुलाई को सीयूटी का रिजल्ट आएगा, उसके बाद फॉरन बीटेक लेटरल एंट्री का काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। बीटेक लेटरल एंट्री का काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होगा और किस तरीके से होगा उसके बारे में डिटेल में एक अलग से वीडियो में बात करेंगे। तो ये हो गई बात बीटेक लेटरल एंट्री की, 15 जुलाई के बाद उसका काउंसलिंग शेड्यूल आ जाएगा, उसका अलग होगा। उसके बाद जो काउंसलिंग होगा वो बीटेक फर्स्ट ईयर में जेईई मेंस के स्कोर पे होगा। बीटेक फर्स्ट ईयर में जो एडमिशन होता है जेईई मेंस के स्कोर पे, उसका काउंसलिंग अलग होगा। और उसके बाद जो फार्मेसी में एडमिशन होता है वो अलग होगा। लास्ट ईयर क्या हुआ था कि बीटेक लेटरल एंट्री और फार्मेसी ये दोनों एडमिशन का जो काउंसलिंग प्रोसेस था सेम था, और बीटेक फर्स्ट ईयर जो जेईई मेंस के स्कोर पे होता था उसका काउंसलिंग प्रोसेस एक अलग हमेशा होता है, इस बार भी अलग ही है बीटेक फर्स्ट ईयर में जो जेईई मेंस के स्कोर पे होना है। लेकिन इस बार बस चेंज ये हुआ है कि पहले बीटेक लेटरल एंट्री का होगा, उसके बाद बीटेक फर्स्ट ईयर जेईई मेंस के स्कोर पे जो काउंसलिंग होती है वो होगी, और उसके बाद फार्मेसी में जो एडमिशन होता है उसका काउंसलिंग होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं एकेटीयू के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे ये ट्वीट किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 चरणों में होगी काउंसलिंग। पहले बीटेक लेटरल एंट्री के छात्रों को मिलेगा प्रवेश, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है इस ट्वीट में, बहुत सारे ट्वीट में इसमें न्यूज़पेपर की कटिंग है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसमें लिखा हुआ है कि पहले जो भी काउंसलिंग होगी बीटेक लेटरल एंट्री की होगी सीयूटी के स्कोर पे, उसके बाद जेईई मेंस के स्कोर पे जो बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन होता है उसका होगा, और उसके बाद जो फार्मेसी की काउंसलिंग होगी फार्मेसी में एडमिशन के लिए उसका होगा। तो सारे लोग क्या करें कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखे और इस वीडियो को भी लाइक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। जैसे ही ऑफिशियल अपडेट आ जाता है कि कब से काउंसलिंग स्टार्ट होगी या फिर पूरा प्रोसेस क्या होगा, उसके बारे में वन बाय वन हम बात करते रहेंगे। लेटरल एंट्री का अलग से, जेईई मेंस के स्कोर पे जो काउंसलिंग होगी अलग से, और फार्मेसी की जो काउंसलिंग होगी उसका अलग से। ओके, थैंक यू।